कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सर, ये जिस प्रकार से देखने को ये मिलता है कि हमारे शहर में जो कि आसपास में काफ़ी मामले हैं, हमारे शहर में नहीं है, लेकिन फिर भी जो कि पाबंदी लगाई गई है दूसरे शहरों से हमारे शहर में आने जाने, देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी लोग जो है फिर भी इसके बाद शहर में आ रहे हैं जा रहे हैं, सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे में संक्रमण के मामले जो है कहीं ना कहीं शहर में बढ़ सकते हैं। अपने उल्लासनगर शहर में वैसे तो लोगों की मूवमेंट के बारे में मैं खुद भी बहुत नाराज हूँ। हमारे शहर में पेशेंट एक था, वो अच्छा होके घर पहुँचा है, दूसरे के बारे में भी चर्चा है, कोई मुंबई कॉरपोरेशन में कोई पॉजिटिव आया है ऐसा भी डिस्कशन है, लेकिन अपने यहाँ ऑफिशियली उसका कम्युनिकेशन आया नहीं है। फिर भी हम लोग उसमें बहुत कड़ी मेहनत ले रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ उसमें जुड़ा हुआ है, सब काम कर रहे हैं, सब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पुलिस पूरी फील्ड पे है, लेकिन लोगों का घूमना फिरना उसमें पाबंदी जब तक लोग खुद नहीं लाते तब तक कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल है। दूसरी एक गंभीर चीज़ सामने आ रही है कि हमारे शहर में कुछ लोगों के रिलेटिव्स अपनी खुद की गाड़ी लेके किसी को मिलने आते हैं, किसी के पास आ जाते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदारी अपनी है वो हम नहीं निभाते, इससे तकलीफ जो है ये समझनी चाहिए कि हमें खुद को तकलीफ होनी चाहिए। कोई नज़दीकी रिलेटिव भी हो, समझो वो मुंबई बेल्ट से आया है, कोई हॉटस्पॉट एरिया से आया है, थाना कल्याण डोंबिवली मेरा भाईंदर एरिया में बहुत पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो इलाके से आ रहा है, तो उसके साथ में कोरोना के जो विषाणु जो है वो आ सकते हैं, बीमारी ला सकते हैं, बहुत सीरियसली सोचने की अभी ये समय है। मेरी सब लोगों को गुजारिश है कि आप कोई रिलेटिव को, कोई रिश्तेदार को आपके घर ये टाइम में मत बुलाइए, किसी के घर आप खुद मत जाइए, अपनी सीमा में बंद रहिए, इसमें ही आपकी प्रकृति आपका स्वास्थ्य सही रख सकता है। प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हम सिटी में ना घूमें, सिटी की बाउंड्री क्रॉस न करें, ये सबको मैं आह्वान करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।